subscribe and press the bell icon to never miss a video from NYOOOZ. बहुत बहुत मुश्किल होता है. पहली बात तो आपका एक्सपीरियंस बहुत ज़रूरी है. आप जब भी कोई वर्क करते हो या जो भी सब चीज़ें करते हो तो आपका एक्सपीरियंस होना बहुत ज़रूरी है. बट हाँ, यशस्वी की बहुत एज में बहुत छोटा है, बट आप जब उनका काम देखोगे तो ऐसा लगता है कि बहुत बड़ा उसने वर्क किया है. सो बहुत डिफ़िकल्ट है छोटी एज में करना, क्योंकि बहुत सब चीज़ें आपको जाननी पड़ती, समझनी पड़ती. एंड देन बोलते ना, वो ऐसे बोलते हैं कि भाई आप जितना काम करोगे उतना समझोगे उस काम. सो बहुत ज़रूरी है. बट हाँ, आज की जनरेशन बहुत अच्छी है जो कम एज में. किस तरह सपोर्ट किया आपने? मैं बस अभी मैं ऑब्वियसली ऐसे सपोर्ट करने मैं उसके सब काम को मैं सपोर्ट करता हूँ यशस्वी के, जितने भी उसके काम रहे, जहाँ भी वो ट्रैवल करता है, ट्रैकिंग करता है. सो उसके लिए मैं सपोर्ट करता हूँ. एंड आई नो कि ये मूवी को भी मैं बहुत ज़्यादा सपोर्ट करूँगा, क्योंकि यशस्वी की फिल्म देखकर अगर एक शब्द में बोलूँ तो सच्चाई, साफ दिल से सच्चाई बोली है. और मैं यशस्वी को 3-4 साल से जानती हूँ, और उसको मतलब पहली बार जब हम ट्रिप पर गए थे, मैं, राघव, शक्ति जी, हम सारे फ्रेंड्स सब बाहर मिलकर गए थे, तो मुझे याद है वो कैमरा छोड़ता ही नहीं था उसको. एक एक मोमेंट, कभी भी अगर पानी में कभी मछली भी गई है ना, तो वो कैप्चर कर लेगा, वो तब तक कैमरा ऑन रखता है. और जुनूनी है और बहुत पागल है, उसके भाई जैसा ही है. और देहरादून का है तो पहाड़ी लोगों के लिए ना मुझे सॉफ्ट कॉर्नर है, क्योंकि बहुत साफ दिल के होते हैं, और जो दिल पे है ना वो ज़बान पे है, कुछ फिल्टर नहीं है. तो द बेस्ट पार्ट वाज कि जो जैसा वो है वैसी उसकी फिल्म भी थी, तो वो देखकर बहुत अच्छा लगा, बहुत मज़ा आया. और हम तो एंड में उसकी जो स्पीच थी मैंने प्राइवेटली रिकॉर्ड करी है. मैंने कहा ओहो, हमारा अब छोटा बच्चा बड़ा हो गया, इतनी अच्छी, कैसे गर्व हो रहा था. अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा. बहुत ऑनेस्टी से बनाई है, कोई ऐसा नहीं है कि बनाने के लिए बनाई है या फिर. और सिनेमा को बहुत, ये सिनेमा है एक्चुअली, डॉक्यूमेंट्री है. किसी एक इंसान को उसके अंदर के भाव क्या चल रहे हैं, बाहर क्या चल रहे हैं, वो पूरा डॉक्यूमेंट्री में असल में आता है. कोई मतलब ये कोई सतही वैसी बात नहीं है, तो सामने आता है वो. तो डॉक्यूमेंट्री में सबसे स्पेशल बात ये है कि आप अंदर सब टेक्स्ट देख सकते हैं, सब टेक्स्ट सामने रखो सेंटर. अच्छा, मेरे को उनसे उन्होंने पूछा था सेंटर. अच्छा हाँ, अरे ये लोग भी तो हैं. तो तो मेन है कि सब टेक्स्ट जो हम लोग कभी कभी करते हैं फिक्शन फिल्म्स में, कि अंदर जो चल रहा है हम बाहर नहीं बताते, इसमें क्या है जो अंदर है वो बाहर है, तो सब खुला मामला है भाई. यस.